झारखंड के स्टाइल में चल रहे हैं, वहाँ पे नाश्ता जैसे बनता है उस तरह से नाश्ते आज आप लोग को बना के दिखाएंगे। तो दोस्तों आज को आप रेसिपी अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, लाइक जरूर करिएगा आप लोग। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग को दिखा दे रहे हैं उसके लिए क्या क्या हमको चाहिए। पहले यहाँ पर तो उसमें दोस्तों ज्यादा जरूरी रहता है कि आलू की सब्जी उसके साथ में जरूरी रहता है बनाना। आलू की सब्जी बनाएंगे एक बार उसके साथ में नाश्ते के, झारखंड में ज्यादा करके आलू की सब्जी के साथ वो खाया जाता है। उसके लिए यहाँ पे 5-6 आलू उबले करके हमने रख लिए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर चावल के आटे लिए हैं देखिए बनाने के लिए नाश्ते को, यहाँ पे चीनी लिए हैं। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्याज सब्जी के लिए पीस कर रख लिए हैं, कुछ लहसुन की कलियाँ भी छिलके उतार कर रख लिए हैं। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं, बहुत आसानी है, बहुत जल्दी बना के बन भी जाता है। तो पहले सबसे पहले हम चावल के आटे की घोल बनाएंगे। अब यहाँ पर हम डाल दे रहे हैं, देख रहे हैं चीनी डालेंगे आटे में। थोड़ी थोड़ी पानी डालकर इसको घोल तैयार करेंगे। इसको आप दूध में भी, जैसे दूध रहता है आपके पास में तो दूध में भी इसका घोल आप बना सकते हैं। अब इसका घोल देख रहे हैं इस तरह से हमने बनाए हैं, फिर इसको हम ढककर रख रहे हैं आधे घंटे के लिए, इसको इसी तरह रख रहे हैं। कढ़ाई को रख रहे हैं, लहसुन की और हरी मिर्ची को हम पहले बटे में लगे कूट ले रहे हैं। अब इसमें हम तेल डालेंगे कढ़ाई में। तो जैसे देख रहे हैं कि आलू की सब्जी जब हम बनाते हैं तो इसमें जीरे के तड़के इसमें अच्छा लगता है, इसके साथ में रखने को जीरे के तड़के आप जरूर दीजिए। इसमें 2 चम्मच डाल रहे हैं अब हरी मिर्ची और अदरक लहसुन को खुले तो उसमें डाल रहे हैं। मिलाएंगे अच्छे से, प्याज जो पीसी हुई रखते हैं तो इसको भी हम डाल दे रहे हैं। आपके पास जैसे चावल के आटे नहीं है तो आप खड़े चावल को जैसे धोकर पहले आधे घंटे पंखे पास फैला दीजिए, उसके बाद मिक्सर में आप पीस लीजिए। जैसे भी चावल के आटे बहुत आसानी से बहुत जल्दी से तैयार हो जाता है बनकर। मगर चिकन की रेसिपी दोस्तों आप लोग को नहीं हम दिखा पाएंगे क्योंकि 2-3 कमेंट आ गया चिकन बना के आप दिखाइए पहले, तो दोस्तों हमारे घर में चिकन नहीं बनता है इसलिए उसकी वीडियो हम नहीं वो दिखा पाएंगे आप लोग को बनाकर। और कोई भी चीज़ की रेसिपी हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, हम बना के आप लोग को जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे। प्याज को ज़्यादा हमने भुने नहीं है, यहाँ पर तेल प्याज उसमें निकलने लगा है। अब यहाँ पर डालेंगे हल्दी 1 चम्मच, इसमें देख रहे हैं छोटे चम्मच यहाँ पर है तो 2 चम्मच इसमें मसाला डाल रहे हैं। आधे चम्मच यहाँ पे काश्मीरी पाउडर डाल दे रहे हैं। हम इन सभी को डालकर अच्छे से मिलाएंगे। थोड़ी सी पानी इसमें डालेंगे जाके मसाला अच्छे से पक जाए। अब देख रहे हैं करिए मतलब तेल पूरा छोड़ना शुरू हो गया है अच्छे से, मसाला भुना गया है। जब मसाला भुना जाता है इसमें से तेल छोड़ने लगता है। अब आलू इसमें हम डालकर, आलू को चाकू से हमने काट लिए हैं यहाँ पर। अब नमक इसमें स्वाद के अनुसार से हम डाल दे रहे हैं। सब्जी बनकर तैयार हो चुका है तो इसके ऊपर से धनिया पत्ती डाल दे रहे हैं। अब यहाँ पर सब्जी को हम निकाल रहे हैं, सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी देख रहे हैं कि सब्जी का कलर चेंज हो गया, कि बहुत टेस्टी सब्जी बना है क्योंकि लोहे लेकर आए बनाने के समय ये रहता है कि तुरंत हम नहीं निकालते हैं जैसे, तो काले थोड़ा सा सब्जी में पड़ जाता है, बाकी सब्जी बहुत टेस्टी बनी है। अब इसमें हम डालेंगे तेल। दोस्तों आप सरसों के भी तेल में बना सकते हैं, बाकी रिफाइंड तेल में बहुत अच्छा लगता है बनाने समय। हमारा पतला बटर है और ज़्यादा झुगाढ़ा हो जाता है तो आप क्या करिए इसमें जैसे चीनी डालने पे रहता है कि चीनी हमारा गलता है जब, तो ये पतला होते जाता है घोल, इसलिए देख रहे हैं इस तरह से घोल है। जब आपको गाढ़ा घोल लगता है तो इसमें
आधे कप दूध हो चाहे पानी हो आप इसमें डाल सकते हैं। तो जैसे दोस्तों छोटे बड़े आपको बनाना है उस तरह से इसका पुए बना सकते हैं। इसको देख रहे हैं इसमें बहुत बिल्कुल मीडियम आंच है, मीडियम आंच पे इसको हम पका रहे हैं अच्छे से। दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर हमारा 1 घंटे बिल्कुल नहीं हुआ है, इसको भी फूल नहीं रहा अच्छे से। 1 घंटे तक आप रख देंगे, आधे घंटे तो इसको अच्छे से फूल जाता है। यहाँ पे अभी हमारा 5 मिनट हुआ है, जब तक हम सब्जी बनाए हैं तब तक बस ये फूला हमारा अच्छे से। जब अच्छे से फूल जाता है तो बहुत अच्छा इसका पुआ लगता है, क्योंकि जैसे वीडियो में देखते हैं दिखाना रहता है तो तुरंत दिखाया जाता है बनाकर, हम लोग के पास समय नहीं रहता कि 1 घंटे रख कर हम लोग छोड़ें फिर उसके बाद आप लोग को बना के दिखाएं, तो इसलिए आप लोग को हम दिखाते हैं कैसे हो रहा है। आपको बिल्कुल फूला फूला चाहिए तो आप जैसे 1 घंटे इसको रेस्ट छोड़ते हैं तो अच्छे से आप फूला फूला ही बनेगा आपका, देख रहे हैं इस तरह से बनेगा। आई बिल्कुल मुलायम बन रहा है, आप देख सकते हैं इसको। फिर दूसरा भी इसी तरह से बना ले रहे हैं, देख रहे हैं आप यहाँ पे। अच्छे से चावल के आटे आपका फूल जा रहा है तो आपको ये रहता है कि बिल्कुल मुलायम बनता है, बहुत अच्छे बनता है, फूलता भी बहुत ज्यादा है। 1 घंटे देखिए यहाँ पे हुआ नहीं हमारा, इसलिए अच्छे से फूल नहीं रहा है। इसी तरह से हम पलट ले रहे हैं इसको, आप पका ले रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह से हमने देख रहे हैं कि आप बना के सारे निकाल ले रहे हैं। सारे बना लिए यहाँ पर, देख रहे हैं आप लोग। तो बकीर आप लोग जब भी बना रहे हैं, जब भी आप लोग बना रहे हैं इसको, तो थोड़ी देर के लिए 1-2 घंटे के लिए इसको रेस्ट जरूर छोड़िए, क्योंकि उससे जो रहता है बहुत अच्छा फूलता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हमारा फूला नहीं है उतना अच्छे से, तो इस तरह से आप एक बार जरूर बनाए। झारखंड का दोस्तों बहुत मशहूर नाश्ता है, बहुत टेस्टी लगता है खाने में, एक बार जरूर बनाए। बाकी इसको जैसे रहता है कि घोल बनाकर इसका 2 घंटे के लिए आप लोग छोड़ दीजिए, जाके अच्छे से हमारे चावल के आटा जो फूल गया उसके बाद आप बनाइएगा तो बिल्कुल अच्छे से आपका जैसे गोल गोल फूलता है, अब बहुत अच्छे लगता है। ये दोस्तों छोटे बड़े लोग रहते हैं सबको बहुत फेमस है, बहुत अच्छा लगता है खाने में, एक बार जरूर आप लोग इस तरह से बनाइएगा। कोई हम इसको आप देख रहे हैं कि जितने देर हो रहा है इसको उतना देख रहे हैं हमारा यहाँ पर फूल रहा है कितने अच्छे से। इसको जैसे रह देर तक इसको रहेंगे फुलाएंगे आप इसका घोल तो बहुत अच्छे से फूलेगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि हल्के हल्के हमारा फूल रहा है, कितने अच्छे लग रहा है देखने में। तो इस तरह से जितना देर इस घोल रखेंगे आप उतनी अच्छे से आपका फूल के ऊपर आएगा। आप इसको तुरंत बना रहे हैं तो बिल्कुल नहीं फूलेगा ये। तो आप यहाँ पर देखिए इसी तरह सारे बना लिए हैं, बन के तैयार है। जैसे बड़े छोटे आप बनाना चाहते हैं उस तरह से बना सकते हैं इसको। दोस्तों यहाँ पर हमारा नाश्ता बनके तैयार है, तो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें आप लोग। 1 लाइक हमारे लिए बहुत महत्व आप लोग का रखता है, तो 1 लाइक जरूर करिए आप लोग। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारा आज की वीडियो आप लोग को कैसा लगा। फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं आप लोग से, तब तक के लिए नमस्कार।